हेलो एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर मैं प्लासेंटा के क्या क्या कार्य होते हैं इस सीरीज के तीसरे भाग को डील करने जा रही हूँ। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसके दोनों पहले पार्ट, जिसके अंदर मैंने कुछ और कार्यों के बारे में वर्णन किया है, उसे आप जरूर देखें। और उन दोनों पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस थर्ड पार्ट के अंदर प्लासेंटा की एंडोक्राइनोलॉजी, यानी प्लासेंटा कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। सो हार्मोन्स के अंदर भी हम जो स्टीरॉयड हार्मोन है, इस भाग के अंदर हम समझेंगे कि प्लासेंटा जो है ये कौन से स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करता है। सो मेन जो दो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ये है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों कैसे रिलीज होते हैं और इनके क्या काम है प्रेगनेंसी के दौरान, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो ये दोनों स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है ये प्लासेंटा के सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग से रिलीज होते हैं। और जब तक कि प्लासेंटा इन हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट नहीं कर देता है, तब तक ये पूरा जो काम है ये कॉर्पस ल्यूटियम करता है। सो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, वहां से लेके 8 वीक की जो गर्भावस्था होती है, उसमें मैक्सिमली इन हार्मोन्स का सेक्रेशन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्लासेंटा डेवलप होता है, उसकी लाइनिंग इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को स्लोली रिलीज करती रहती है। एंड देन थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसकी जो मात्रा है ये लगातार बढ़ती जाती है, और टर्म तक पहुंचते हुए ये अमाउंट ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात करूं, तो प्रोजेस्टेरॉन का बनना ये प्लासेंटा के थ्रू होता है। लेकिन इसके लिए जो प्रीकर्सर्स जो होते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल होता है जिसको कि प्लासेंटा यूज करके प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट करता है, ये मदर से मेनली डिराइव होता है। तो मदर के सर्कुलेशन में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करके ये प्रेग्नेनोलोन के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये जो क्रिया है ये कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम के प्रेजेंस में होती है। इस प्रेग्नेनोलोन पे एक एंजाइम जो कि प्लासेंटा के अंदर पाया जाता है वो काम करता है। और ये एंजाइम होता है 3-beta-HSD हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। सो ये 3-beta-hydroxy स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेग्नेनोलोन के ऊपर एक्ट करता है और उसको प्रोजेस्टेरॉन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से जो प्रोजेस्टेरॉन बनता है ये वहां पे स्टोर नहीं रहता है, बल्कि ये इजीली डिफ्यूज हो जाता है मदर और फीटल सर्कुलेशन में। तो इस तरीके से 8 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में प्लासेंटा स्लोली इस अमाउंट को, प्रोजेस्टेरॉन को धीरे धीरे बढ़ाता है और प्रेगनेंसी के एंड तक इसको लगातार इंक्रीज करता रहता है। एंड टिल टर्म तक जब ये प्रेगनेंसी पहुंचती है तो अराउंड 250 मिलीग्राम डेली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन प्लासेंटा के थ्रू होता है। उसी तरीके से जो दूसरा स्टीरॉयड हार्मोन है, दैट इज ईस्ट्रोजन, ये भी प्लासेंटा के थ्रू सिंथेसाइज होता है। इनिशियली कॉर्पस ल्यूटियम इसको बनाता है, लेकिन बाद में प्लासेंटा इसका फंक्शन टेक ओवर कर लेता है। तो इसका जो बनना है ये भी कुछ अमाउंट में मदर और कुछ फीटस के प्रीकर्सर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये जो रॉ मटेरियल से ये मदर या फिर फीटस से डिराइव होते हैं, जिसपे कि कई मेटाबोलाइट्स हुआ करते हैं, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, एंड देन ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर फीटस से डिराइव्ड जो मेटाबोलाइट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फीटस की जो एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है ये एक मेटाबोलाइट्स को बनाती है, दैट इज डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन सल्फेट। और ये जो मेटाबोलाइट है ये अगेन लीवर के अंदर दूसरे मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट इज 16-alpha-hydroxy-dehydroepiandrosterone सल्फेट के अंदर बदलता है। और ये लीवर के अंदर बनने वाला मेटाबोलाइट प्लासेंटा के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। और प्लासेंटा के अंदर मेनली 4 एंजाइम्स होते हैं जो कि इस मेटाबोलाइट पे, जो कि लीवर से डिराइव्ड होता है, उस पर वर्क करता है। और ये है सल्फेटेस, एरोमेटेस, 3-beta-HSD type 1, दैट इज 3-beta-hydroxy-steroid-dehydrogenase 1 एंड 17-beta-hydroxy-steroid-dehydrogenase एंजाइम। सो जब ये चारों एंजाइम इस 16-alpha-hydroxy-dehydroepiandrosterone सल्फेट पे जब वर्क करती हैं, तो इसको फाइनली किसमें कन्वर्ट करती हैं, प्लासेंटा के अंदर ईस्ट्रोजन के अंदर बदलती है। तो इस तरीके से फीटस की एड्रिनल ग्लैंड्स और लिवर जो है ये कुछ मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एज अ प्रीकर्सर वर्क करते हैं फॉर ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। प्लासेंटा जो है ये इन सारे मेटाबोलाइट्स का इस्तेमाल इस वजह से करता है क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम
जो कि ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है ये नहीं होता है, और ये एंजाइम है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो इसी वजह से प्लासेंटा जो है ये कई मदर और फीटस से डिराइव्ड होने वाले प्रीकर्सर्स जो रॉ मटेरियल हैं इनका इस्तेमाल करता है ताकि इन मेटाबोलाइट्स को बदल के ईस्ट्रोजन के अंदर चेंज किया जा सके। तो यहाँ पर फीटस की एड्रेनल ग्लैंड से बनने वाला जो एक मेटाबोलाइट होता है डीहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन सल्फेट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीकर्सर होता है, पहले बनने वाली चीज़ होती है जो कि आगे चल के प्लासेंटा के कई एंजाइम के थ्रू उसके ऊपर वर्क होता है और उसको ईस्ट्रोजन में बदलती है। तो इसी तरीके से ईस्ट्रोजन का जो अमाउंट है ये भी प्रेगनेंसी की होल अवस्था में लगातार बढ़ता है, और जब प्रेगनेंसी टर्म तक पहुंच जाती है तो ये अराउंड 30 नैनोग्राम पर ml के लेवल पे ये ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से ईस्ट्रोजन का भी काउंट प्रोजेस्टेरोन की तरह लगातार प्रेगनेंसी में बढ़ता है। तो यहाँ पे इन दोनों स्टीरॉइड्स का फंक्शन क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर? सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें एकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ पे यूट्रस की साइज लगातार बढ़ती है, और ये इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे फीटस एंड जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उनको एकोमोडेट करना होता है, उनको रखना होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस के अंदर हाइपरट्रॉफी यानी मायोमेट्रियल लेयर के अंदर जो हाइपरट्रॉफी और जो प्रोलिफरेशन हो रहा है और ओवरऑल जो यूट्रस का जो एनलार्जमेंट हो रहा है इसके लिए ईस्ट्रोजन काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल होता है। और उसी के साथ में जब प्रोजेस्टेरोन इस पे वर्क करता है तो प्रोजेस्टेरोन कई डेसिडुअल चेंजेस लेके आता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की उसमें कई बदलाव लेके आता है ताकि ये इम्प्लांटेशन को अलाउ कर सके, जो फर्टिलाइज हुआ है उसको इस वॉल के अंदर बरीड कर सके। ओवरऑल ईस्ट्रोजन के इम्पैक्ट से यूट्रस की साइज बड़ी होती है ताकि फीटस को ये अकोमोडेट कर सकता है, और जितनी साइज लार्जर होती रहेगी उतना ही वैस्कुलेचर बढ़ेगा, ब्लड वेसल्स इंक्रीज होगी और फ्लो भी ज्यादा होगा ताकि फीटस को भी नरिशमेंट प्रॉपर मिल सके। सो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया और जो प्रोलिफरेशन है इन लेयर्स का वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट के कारण होता है। उसी तरीके से ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर स्पेशली इन डक्ट्स, जो डक्ट होती है इन डक्ट के प्रोलिफरेशन और हाइपरट्रॉफी के लिए ईस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है, और वहीं पे अगर लोब्यूल्स है या फिर जो एल्वुलाइज है इनकी हाइपरट्रॉफी एंड प्रोलिफरेशन के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कंबाइनली वर्क करते हैं। और उसी के साथ जो भी प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल बदलाव होते हैं उसके लिए कंबाइनली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक साथ वर्क करता है, जो कि कई सिस्टमिक चेंजेस लेके आता है। और वहीं पे प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट के कारण यूट्रस जो है बहुत ही क्वाइट और रिलैक्स रहता है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। सो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए और यूट्रस को मोर रिलैक्स बनाने के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कैसे कर पाता है कि जो यहाँ पे लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन होती है इसको प्रोजेस्टेरोन जो है वो स्टेबलाइज करता है, वहां पे इंफ्लामेटरी रिएक्शन आने से रोकता है ताकि जो फीटस है वो मदर के थ्रू रिजेक्ट ना हो। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए और यूट्रस को मोर रिलैक्स बनाने के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लेबर के दौरान यहाँ पर ईस्ट्रोजन का जो रोल है वो बहुत ही बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन जो है ये मायोमेट्रियल लाइनिंग को और ज्यादा सेंसिटाइज कर देती है ताकि मोर ऑक्सीटोसिन से बाइंड होके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर सके। सो लेबर के दौरान ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए मोर मायोमेट्रियल लाइनिंग को सेंसिटाइज कर देता है ईस्ट्रोजन। तो इस तरीके से ये जो दोनों स्टीरॉयड हार्मोन है ये कंबाइनली या फिर अकेले बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए और कई अडेप्टेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे इस पार्ट के अंदर हमने प्लासेंटल एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर स्टीरॉइड्स हार्मोन जो होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनका सिंथेसिस कैसे होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डील किया। थैंक यू।